साहब गजब हालत है अभी, पूछिए मत। उधर है चौपट लाल तो इधर है फटे लाल। पास नाती और नतनी के लिए कोई फर्क नहीं है, भगवान जो दिए और उनका दिया हुआ एक आशीर्वाद। दिखाइए दीदी अच्छे से तो फेस। हेलो, अभी हेलो कर रहा था मुझे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी जा रहे हैं अपने एक दोस्त के यहाँ, हमारे एक दोस्त की शादी है। उस दोस्त को आपने देखा होगा कभी किसी ब्लॉग में, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं थी, आज आपको दिखा देंगे। हमारे दोस्त का नाम है शिव, हमारा बचपन का दोस्त है। तो आज उसके बहन की शादी है, तो चलते हैं वहाँ पर। तो फाइनली जी जिस दोस्त के बारे में बात कर रहे थे कि बहन की शादी में, तो आ गए हमारा दोस्त वहाँ पर। अभी थोड़े गेस्ट है वहाँ पर, उसी में थोड़ा इन्वॉल्व है। कल रात पार्टी से आ गए जी घर, और आने में जो है अच्छा खासा लेट हो गया था। इतने सारे दोस्त मिल गए वहाँ बचपन के, तो सभी से भेंट मुलाकात करते करते अच्छा खासा समय हो गया था। और जब आज सुबह उठे तो भाई साहब लूज मोशन शुरू हो गया। कम से कम लगता है मैं 4-5 बार बाथरूम के चक्कर लगा चुका हूँ। एकदम आ गई है शरीर में वीकनेस, पता नहीं क्या हाल हो गया शरीर का। बस एक पार्टी में कुछ खाया और इस तरह का हालत हो गया। हो सकता है क्योंकि गर्मी कल बहुत ज्यादा था तो इस वजह से हुआ हो, नहीं तो लगता है शरीर में कोई दिक्कत आ गई। तो यहाँ पर माँ दे रही है हमें बना के नमक चीनी पानी, सब ठीक भाग जाते। बस हम तो वह हुनके पर छोड़ दिलिये नागेश्वर पर, अहाँ जे करबै सह हेतै। लेकिन हमरा ओकर एतेक टा बल छै जे हमरा ककरो डर नहि होइ छै। ओ बात जैसे बच्चा धरती पर तुम्हारा आ गया उसे तुम स्वस्थ होके फिर पूर्वत खाना बनाने लगेगी। जैसे महादेव अगर चाहेंगे तो हम लोग किसी का जीवन में अहित नहीं किया ना करेंगे, सोचते भी नहीं। एक मुजोर है जो अटर पटर बोलता है तो उसको जवाब दे देते। दिखाइए दीदी अच्छे से तो फेस। हेलो, अभी हेलो कर रहा था मुझे। हाय एकदम शांत है तुम। देख रही है उधर, क्या कर रहे हो? बच्चा जो है ना वैसे खूब शैतानी करता है, जब कैमरा ऑन कीजिएगा ना तब वो शैतानी बंद कर देता है। साहब गजब हालत है अभी, पूछिए मत। उधर है चौपट लाल तो इधर है फटे लाल। भाई साहब इतना बार बाथरूम का राउंड लगा चुके हैं, खत्म नहीं हो रहा है। लग रहा है कोई दवाई ले लें, दवाई लेने के बाद वह भी गड़बड़ हो जाता है, होना ही बंद हो जाता है, इसलिए दवाई भी नहीं लेंगे हम। और इधर जिया की भी हालत खराब है, पेट दर्द पैर दर्द, अब इसका भी लग रहा है कब आए, अंदर में ही मजा आ रहा है। निकलो भाई साहब अब। तो मियाँ बीबी दोनों की हालत खराब है अभी। बीबी की तो हालत पहले से खराब थी, अब मियाँ जी की भी ये हालत हो गई है। इंसान को देख सकते हैं, हमको बोले जिया चलो छत पे, और जब हम उठे कि चलते हैं छत पे दुपट्टा लेने गए, तब तक ये पड़ गए हैं मेरी सीट पे। कोई बात नहीं, यहाँ हर हमेशा हम पड़े रहते हैं, ये पड़ गए, उड़ जाते हैं। भगाने का टेक्निक था आपका, नहीं कि ये हटेगी हम लेटेंगे। हम आए थे थोड़ा बैठने, बैठते बैठते लेट गए, जान ही रही कैसा कंडीशन अभी, वीकनेस बहुत है शरीर के अंदर, इसी वजह से। अभी आपको एकदम फिट रहना चाहिए, नाटक कर रहे हैं। चलो यार छत पर टहलते, पेट दर्द से थोड़ी अभी राहत मिली है जी। तो हम आ गए छत पर, जी और मम्मी भी आई हुई है यहाँ पर, जो भी आज का कपड़ा था सभी को फैलाने के लिए। कल सुबह तक तो सूख ही जाएगा क्योंकि गर्मी इतनी तेज है। अभी जो है आपको बैंड बाजा सुनाई दे रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में। हमारे मोहल्ले में शादी है जी, अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में तो ढेर सारा लगन रहता है, खूब शादियाँ हो रही होती है। तो अभी अभी सो करके उठी है जी और आ गए हैं सुबह सुबह यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपने फूलों को देख रहा हूँ जी, क्या जबरदस्त लग रहा है। सोच रही हूँ ऐसा ही फूल मेरा वहाँ पे था जो उधर बगीचे में गिर गया। हाँ हाँ, वहाँ पर तीन फूल एक साथ होता था, पिंक कलर का होता था, फिर व्हाइट रहता था और एक कुछ पर्पल हो जाता था। हाँ हाँ, वो तीनों चला गया मेरा। और यहाँ देख सकते हैं उजला रंग का फूल, यहाँ भी अच्छा खासा खिला हुआ है,
और हम लोग में से कोई भी फूल को तोड़ नहीं रहा, आप देख सकते हैं सारा फूल जो है पूरा ग्रोथ पे आ जाता है, फिर सूख जाता है, सूख जाता है, लेकिन हम लोग तोड़ते नहीं है अभी। डैडी भी नहीं तोड़ते हैं, यहाँ तक कि ये अरहुल भी नहीं पूरा तोड़ते हैं, क्योंकि अरहुल पूरा तोड़ के चढ़ाया जाता है डैडी। अरहुल जो है दिन में तो पूरा खिल जाता है, तो उसमें से भी डैडी एक दो चुन चुन के तोड़ते हैं, छोड़ देते हैं सारा। और उसके बाद जब पूजा होता है उस समय इस्तेमाल होता है सारा फूल। कौन सा चिड़िया है ये, क्या लगता है? बहुत दिन से देखते आए हैं लेकिन आज तक इसका नाम नहीं जाने, क्या है ये? हाँ कोयल तो है इधर, अच्छा खासा। सुबह 4 बजे, अभी नहीं बोल रही, बच्चा में हम लोग करते क्या थे, चिढ़ाते थे उसको, हम भी जोर जोर से, जितना जोर से तुम इधर करेगी उतना जोर से उधर से वो भी करेगी, हम भी करते थे। तो आगे जी तो हल्के हैं और यहाँ पर जिया बना रही है छाछ, तो जिया पिएगी अभी छाछ, हम नहीं पिएंगे, आप पियो। अभी हम ऐसा कुछ भी चीज पेट में नहीं ले रहे जिससे लूज मोशन फिर से चालू हो जाए, तो इसी टाइप का चीज सब अभी पेट के अंदर जा रहा है, ये फायदा करेगा। नहा के हो गए हैं एकदम तरोताजा, अब उसके बाद बैठते हैं काम पर। अभी तो लाइट है प्रॉपर, लेकिन आजकल जो है पावर कट लगना स्टार्ट हो गया है और ऊपर में इन्वर्टर का कनेक्शन है नहीं, तो सोच रहे हैं कि यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन करवा दे, तो फोन लगाते हैं किसी इलेक्ट्रीशियन को, कोई आएगा और वो सेट कर देगा। अल्ट्रासाउंड करवा के तो आ गए जी, अब आए हुए हैं एक दुकान पर, या ले लिए सारी का फल, सारा सामान तो हो गया खरीदा हुआ। उसके बाद आए हुए हैं मोलू के यहाँ, तो जिया बोले कि मोलू जो वहाँ पर टिकोला सब रखा हुआ है तो देख सकते हैं ढेर सारा टिकोला लेके इधर से चलेगा। और अभी है जी गर्मी का मौसम, तो थोड़ा सा लू लगने का संभावना भी है, तो इसलिए जो है आम पन्ना सब पियेंगे, तो ले लिए हम लोग। बाकी आपके घर का कुछ नजारा दिखाता हूँ, देख सकते हैं मोलू जो है सोच लिया है कि एक भी आम को झड़ने नहीं देना है, हमेशा पानी डालता रहता है इसके ऊपर। अभी बारिश भी हो नहीं रही है, उस तरह से बारिश होता है लेते हैं ना पूरा, हाँ पीछे से कौन ये लो, पूरा जो है पेड़ आमों से लदा हुआ है, अगर ये सारा आम हो गया बड़ा बड़ा तो तुम्हारा डाल टूट जाएगा। नहीं डाल हाँ हो सकता है, टूट जाएगा आंधी अगर आया। और इसके यहाँ देखिए जी फूल कितने सारे हैं, अरहुल सब तो भरा हुआ है इसके यहाँ, अरहुल के अलावा जो वहाँ कनेल भी देख सकते हैं, अच्छा खासा खिला हुआ है। तो फाइनली जी आगे घर जो भी आज का काम था सारा काम करवा लिया, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, जब हम गए अल्ट्रासाउंड करवाने वहाँ तो कुछ अलग ही बात मालूम चला क्या कि डिलीवरी का जो एक्सपेक्टेड डेट है वह 10 दिन और आगे बढ़ गया है। बाकी देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता है। बाकी जिया की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं लग नहीं रहा है कि एक्सटेंड होने वाला है, अब उनका जो भी अपना कैलकुलेशन हो, जो भी एनालिसिस हो, जो भी होगा देखेंगे, वही लोग एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो डिलीवरी के डेट के बारे में हम कहना चाहेंगे कि भगवान नारायण है जन्म देने वाला, माँ है गर्भ धारण करने वाली, बिल्कुल उसका डेट वही निश्चित करते हैं, हम और डॉक्टर एक माध्यम, बिल्कुल जी, जब उनकी दया हो जाएगी तो दुनिया में सही बात है जी। खुशी की बात कर आप लोग जान ही गए कि हमारी बेटी को बच्चा हो गया है, बिल्कुल वह नाती है, लेकिन मेरे पास नाती और नतनी के लिए कोई फर्क नहीं है, भगवान जो दिए और उनका दिया हुआ एक आशीर्वाद बच्चा का जहाँ तक दिखाने हम लोग आज ही बहुत प्रयास के दाम दिखाते, लेकिन पंडित जी से हम लोग संपर्क में थे, पंडित जी एक अच्छा जो मुहूर्त निकाल देंगे तो कल आप लोग को बच्चा का दिखाई करके आप लोग से हम आशीर्वाद लेंगे, जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि बच्चा चिरंजीवी रहे और दुनिया में स्वस्थ रहे, और मेरा नाती ही नहीं सबका नाती नतनी पोता पोती, जैसे हम अपने लिए ईश्वर से मांगते हैं इसी तरह आप लोग सबसे मांगते हैं, क्योंकि भगवान का हमको आज तक लगता है कि भगवान का दिया हुआ जो भी मुझे पोस्ट मिला, डिग्निटी मिला, या मेरा एजुकेशन था, जो भी सब कुछ था, मैंने आज तक सब कुछ रहते हुए किसी के सामने अपने आप को प्रोड्यूस नहीं किया, और एक नॉर्मल औरत की तरह मैंने सबके साथ पेश आया, और मेरा ये स्वभाव है, इसीलिए भगवान को लगता है कि मेरे लिए फूल बरसा रहे हैं। सिद्धांत कहते हैं ईश्वर सबका ऐसा ही स्वभाव दीजिए ताकि मुझे जो नीचा दिखा उसका भी अच्छा। तो चलिए जी अब ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर देते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपको कहना चाहेंगे जी कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि फेस रिवील कर दे, पंडित जी से बात हो रही है और उम्मीद करते हैं पंडित जी जो है एक अच्छा मुहूर्त दें, तो कल आपको उसका चेहरा जरूर दिखाएंगे। आप में से बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि इतना ज्यादा इंतजार करवाना। बाकी जी अंधेरे में आराम कर रही है और इसी उसकी कंडीशन सही नहीं है अभी, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।